नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज पार्टी का पहला घोषणा पत्र जारी करेंगी। ये घोषणा पत्र महिलाओं के लिए होगा। कांग्रेस ने इसका नाम शक्ति विधान रखा है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देने की घोषणा की है। इसके साथ ही कांग्रेस ने महिलाओं के लिए फ्री में स्कूटी और स्मार्टफोन के अलावा कई और वादे भी किए। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। कांग्रेस इस बार दो घोषणा पत्र जारी करने वाली है। लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में आज दोपहर 12 बजे प्रियंका गांधी महिलाओं के लिए विशेष तौर पर बनाए गए घोषणा पत्र को जारी करेंगी। इसके अलावा कांग्रेस एक दूसरा घोषणा पत्र भी जारी करेगी। इसमें बाकी के प्रदेश के लिए वादों की लिस्ट होगी। तो प्रियंका गांधी वाड्रा 2022 के यूपी चुनाव को लेकर कड़ी मेहनत करती हुई नजर आ रही हैं और इसी कड़ी में आज वो घोषणा पत्र जारी करेंगी। अगर इस घोषणा पत्र की हम बात करें तो पूरी तरह से महिलाओं पर है, महिलाओं के लिए है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने कुछ दिन पहले ही एक नारा दिया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। महिलाओं के लिए स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी या फिर इसके बाद अगर बात करें तो 40% आरक्षण टिकट बंटवारे को लेकर, और इसके बाद अब ये घोषणा पत्र, यानी ये कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी महिलाओं को साधने की कोशिशों में लगी हुई हैं। वैसे प्रियंका गांधी सिर्फ इसी घोषणा पत्र को जारी नहीं करेंगे, इसके अलावा एक और घोषणा पत्र है जिसको जारी किया जाएगा। तो लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में आज दोपहर 12 बजे प्रियंका गांधी महिलाओं के लिए विशेष तौर पर बनाए गए घोषणा पत्र को जारी कर सकती हैं। इसके अलावा कांग्रेस एक दूसरा घोषणा पत्र भी जारी करेगी। इसमें बाकी के प्रदेश के लिए वादों की लिस्ट होगी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा आज घोषणा पत्र जारी करने वाली हैं और इस घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए विशेष तौर पर कई महत्वपूर्ण बातें, कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। प्रियंका गांधी वाड्रा आज दो घोषणा पत्र जारी करने वाली हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 11 दिसंबर को उत्तराखंड के काशीपुर में आएंगे। वहां वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा में वो बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरशाली के मुताबिक केजरीवाल का उत्तराखंड में 5वां दौरा होगा। इस दौरे में वो काशीपुर पहुंचेंगे जहाँ वो प्रदेश की जनता के लिए चौथी बड़ी घोषणा कर सकते हैं। केजरीवाल के इस दौरे के लिए आप पार्टी पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। तो एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड पहुंचेंगे, उत्तराखंड में जनसभाएं करेंगे और बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड आएंगे, इससे पहले भी वो आ चुके हैं और कई घोषणाएं कर चुके हैं, चाहे वो मुफ्त बिजली देना हो, पानी देना हो, रोजगार देना हो, दिल्ली के तर्ज पर शिक्षा व्यवस्था बेहतर करनी हो, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करनी हो, इसके अलावा बेरोजगारी भत्ता देना हो। तो इस बार क्या घोषणा होगी इस पर नजर बनी रहेगी। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी सुभाष मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष, एक बार फिर केजरीवाल उत्तराखंड आ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 11 दिसंबर को उत्तराखंड के काशीपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित कर सकते हैं और कहा जा सकता है कि चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दल अब चुनावी रैलियों में कहीं ना कहीं प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी राजधानी देहरादून पहुंचे थे और आगामी 16 दिसंबर को कांग्रेस के राहुल गांधी भी देहरादून पहुंच रहे हैं, तो इसी कड़ी में अब आम आदमी पार्टी, जो कि उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही है, उनकी तरफ से भी अरविंद केजरीवाल काशीपुर पहुंचकर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही कुछ घोषणाएं उत्तराखंड वासियों के लिए सकते हैं और ये कहा जा सकता है कि वो उम्मीद के जरिए, जिस तरीके से दिल्ली सरकार से उम्मीद कर रही है उत्तराखंड की जनता की, यदि आम आदमी पार्टी को मौका देते हैं तो उत्तराखंड का विकास करेंगे। बिल्कुल सुभाष, अगर देखा जाए तो इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड पहुंचे हैं और ऐसे पहुंचने के बाद उन्होंने खासतौर पर, अगर फिलहाल के मैं दौरे की बात करूं तो उन्होंने ऑटो रिक्शा चालकों से महत्वपूर्ण बात की थी, एक घोषणा भी की थी और ये कहा था कि जैसे दिल्ली में ऑटो वालों को उन्होंने मदद की है वैसे ही वो यहाँ भी करेंगे। इस बार की जो घोषणा है वो कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, इस बार क्या खास रहेगा? क्योंकि बिजली को लेकर, पानी को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर, बेरोजगारी भत्ते को लेकर तो पहले ही चुके हैं। तो सुभाष से हमारा संपर्क टूट चुका है, हम दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको जानकारी देते हैं कि अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड के दौरे पर रहने वाले हैं। 11 दिसंबर को वो जाएंगे और वहां पर एक विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे, जिसकी तैयारियां पहले से ही पूरी कर ली गई हैं। हालांकि इस
दौरे को लेकर सभी की निगाहें बनी हुई हैं, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी की हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा उभरती हुई उत्तराखंड में नज़र आ रही है, और जिस तरह से सीएम चेहरे हैं वहाँ के कर्नल कोठियाल, उनकी भी एक अच्छी पकड़ इलाकों में है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस तरह से 10 साल कांग्रेस सत्ता में रही, 10 साल बीजेपी सत्ता में रही है, और आम आदमी पार्टी जिस तरह से बीच में आ रही है और ये कह रही है कि इन 20 सालों में भी उत्तराखंड को मूलभूत सुविधाएं दोनों ही पार्टियों ने नहीं दी है, ऐसे में वो सबसे पहला ध्यान रखेंगे मूलभूत सुविधाओं का। तो क्या असर होगा इस रैली का, जनता पर कितना असर पड़ेगा, जनता इस रैली से क्या समझेगी, क्या वो आम आदमी पार्टी के जो प्रलोभन है उस पर विश्वास करेगी या नहीं करेगी, ये देखना होगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को मथुरा के मांड विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इस दौरान वो करीब 200 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन और भाजपा पदाधिकारी मंगलवार को दिनभर तैयारियों में जुटे रहे। मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे हेलीकॉप्टर से सभास्थल पर पहुंचेंगे, यानी कि अब से कुछ ही देर में वो लगभग 2.5 घंटे तक यहाँ रहेंगे। मुख्यमंत्री मांड के ब्रज आदर्श इंटर कॉलेज के खेल मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में 200 करोड़ रुपए की 196 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करने वाले हैं। इस मौके पर सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी लाभार्थियों को दिए जाएंगे। कार्यक्रम में सांसद हेमा मालिनी, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, विधायक कारिंदा सिंह, विधायक पूरन प्रकाश मौजूद रहने वाले हैं। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, कल ही तस्वीरें सामने आ गई थी, मथुरा के इस ग्राउंड में एक विशाल जनसभा का आयोजन होने जा रहा है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचेंगे, मथुरा वासियों से बातचीत करेंगे, साथ ही साथ मथुरा को 200 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी देंगे, जिसका शिलान्यास और लोकार्पण योगी आदित्यनाथ आज करने वाले हैं। तो जो भी पेंडिंग वर्क है, जो भी योजनाएं बची हैं, उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश है सरकार की, क्योंकि समय सरकार के पास बेहद कम है। आने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होते ही सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जी जान से लगे हुए हैं। वहीं जनता भी अपनी कई मांगों और समस्याओं को लेकर मुखर है और आंदोलन की राह पर है। इसी कड़ी में खटीमा तहसील के गांव संतना के आक्रोशित ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगाते हुए क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा का पुतला दहन किया। ग्रामीण रोड की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से आंदोलनरत है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर रोड नहीं बना तो आने वाले चुनाव का बहिष्कार करते हुए वोट भी नहीं देंगे, और जब तक रोड निर्माण का कार्य नहीं कराया जाता तब तक हमारा धरना प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा। ऊधम सिंह नगर की तस्वीरें रोड की मांग को लेकर आक्रोशित ग्रामीण जो है नजर आए हैं। विधायक का पुतला दहन किया है, जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। मजबूरी बस 60 साल हो चुके हैं और यहाँ अभी वर्तमान 10 साल प्रेम सिंह राणा जी को हो चुके हैं, और संज्ञान लेने नहीं आए हैं बताने के बावजूद भी कल भी उनसे बातचीत हुई थी, संपर्क किया गया था, मगर उनका रवैया ऐसे था कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके पास हमारी वॉइस रिकॉर्डिंग है, भुवन जोशी जी से बात करी गई उनके जनप्रतिनिधि के, और उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया है। अब जब तक वो नहीं आएंगे तब तक हम धरने प्रदर्शन में बैठे हैं, और वोट नहीं तो वोट नहीं का नारा यहाँ पर बुलंद है। इस समय पर गोपाल सिंह राणा जी भी आज आए थे, ग्रामीणों ने उनको वापस कर दिया है। कारण जानते हैं आप लोग, क्योंकि संज्ञान लेने कोई नहीं आ रहा है और कार्रवाई नहीं की जा रही इन सड़क को लेकर, क्योंकि रास्ता नहीं दिया जा रहा है, 60 साल हो चुके हैं। समस्या है, यहाँ रोड नहीं है, हमारे लिए बहुत परेशानी होती है, पानी भर जाता है, मगरमच्छ आता है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, और किसी की तबीयत खराब हो गई अस्पताल नहीं ले जा पाते हैं। गर्भवती औरत होती तो एम्बुलेंस यहाँ आती नहीं है, इसलिए हमको बहुत परेशानी हो रही है। रोड की जरूरत है, अगर रोड बन गई तो हम वोट देंगे, रोड नहीं बने तो वोट नहीं देंगे। सभी गांव वाले ने रोड नहीं है करके नाराज होके मतलब प्रेम सिंह राणा विधायक का और पुतला जलाया। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी दीपक मेरे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, ऊधम सिंह नगर में लगातार जो ग्रामीण हैं आसपास के वो काफी ज्यादा आक्रोशित नजर आ रहे हैं, उनका कहना है कि अगर यहाँ पर रोड नहीं बनी तो हम वोट का बहिष्कार करेंगे। उन्होंने विधायक का पुतला भी दहन किया है, और क्या क्या समस्याएं हैं, आखिर क्यों यहाँ पर विकास नहीं पहुँच पा रहा है, विकास की बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती है। जी मैं आपको बताना चाहूंगा, ये नानक बत्ता जो ऊधम सिंह नगर में पड़ता है वहाँ पे जो है नानक बत्ता का विधायक जो वहाँ का आवास है, वहाँ से लगभग ये काफी दूरी पे लगभग ये मतलब जो है लगभग 12-13 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, इसलिए जो है वहाँ का विकास नहीं हो पा रहा है। काफी जंगल में ये एरिया पड़ता है और काफी जो है
अंदर इसमें लोग रहते हैं और वहाँ पे जो है रोड भी नहीं है और यहाँ से जाने का रास्ता भी नहीं है, इसलिए वहाँ का जो है विकास रुका हुआ है। बिल्कुल दीपक, और इनका क्या कहना है, ग्रामीणों की क्या मांग है और कौन कौन सी मूलभूत सुविधाएं हैं जो इनके पास नहीं है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, ग्रामीणों की जो है बहुत सी मांगे हैं। वहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है, गांव में कोई रोड नहीं बनी हुई है, आए दिन वहाँ जो बरसात जब होती है तो वहाँ गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और जो वहाँ के लोग रह रहे हैं बहुत ज्यादा परेशान है। इसलिए जो है उन्होंने कल जो है विधायक प्रेम सिंह राणा का जो है वहाँ पे पुतला फूका है और कहा है कि अगर हमारी अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे हम इससे भी ज्यादा हो जाए उग्र आंदोलन करेंगे, रोड जाम करेंगे। इस पूरे मामले में विधायक की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, विधायक जी से तो अभी कोई ऐसी कोई मतलब जो है उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। अभी ग्रामीणों ने जो है एक वायरल वीडियो वो ऑडियो जो है वायरल हुआ है, उसमें जो है विधायक जी ने साफ साफ कह दिया है कि जो है मैं अभी दो दिन के लिए बाहर किसी काम से अपने आउट ऑफ कवरेज एरिया से बाहर हूँ, जब आऊंगा तो आपकी समस्याओं का जो है मौके पे आकर समाधान करूंगा। अपनी जिम्मेदारियों से 2022 के चुनाव इतने नजदीक है उसके बावजूद इस तरह का बेतुका बयान? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, नानकपता विधानसभा जो है भाजपा का गढ़ रह चुका है, दो बार जो है लगातार वहां से जो है ये भाजपा के विधायक भी रह चुके हैं और जो है आगे जो है इसमें सरगर्मियां वहां पे तेज चल रही हैं और जो है इसमें जो है विधायक का जो है आगे जो है जो गांव जो है लगभग यहाँ पे खटीमा विधानसभा पड़ती है, मुख्यमंत्री की विधानसभा है, वहाँ के जो ग्रामीण रहने वाले हैं वो उनका ये कहना है कि जो हमारा जो एरिया है वो खटीमा एरिया में डाला जाए ताकि मुख्यमंत्री के एरिया में आए और हमारी समस्या का समाधान हो सके। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए दीपक। तो उधम सिंह नगर के कई गाँव ऐसे हैं जो अब तक कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधाओं से वंचित नजर आते हैं। मूलभूत सुविधाएं जैसे कि सड़कें वहां नहीं पहुंच पाई हैं, जो पाइपलाइन की बात हो रही थी कि हर घर नल जो है उससे जल मिलेगा वो भी नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में ग्रामीण बेहद नाराज हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि विधायक यहाँ नहीं आते हैं हालचाल जानने के लिए, हम कौन विधायक है हम ये भी नहीं जानते, तो पुतला दहन करते हुए नजर आए हैं। वहीं विधायक का एक ऑडियो भी सामने आया है, विधायक ने साफ तौर पर कहा कि वो अभी अपने क्षेत्र में नहीं है, यानी कि अपनी जिम्मेदारियों से उन्होंने साफ तौर पर पल्ला झाड़ लिया है। कानपुर देहात में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां कानपुर देहात से कानपुर नगर को जा रही बस हाईवे पर खराब खड़े डंपर में पीछे से जा टकराई। वहीं इस हादसे में 15 लोग घायल हो गए हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो सुबह सुबह का ये पूरा मामला है, जहां पर कानपुर देहात की हम बात करें तो तेज रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला, जहां पर बस और डंपर की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 15 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं जिन्हें तुरंत अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आज शाम को तकरीबन 6 बजे के आसपास थाना अकबरपुर के चौकी रनिया क्षेत्र में हाईवे पर एक ट्रक खड़ा हुआ था जो खराब था, उसमें पीछे से एक बस ने टक्कर मार दी जिसको उस बस का ड्राइवर नियंत्रित नहीं कर पाया, तो उसमें 12 लोग घायल हो गए जिनमें से 5 लोग गंभीर हैं जिन्हें जिला अस्पताल से समुचित उपचार के लिए जनपद कानपुर नगर रेफर कर दिया गया है, बाकी जो घायल लोग हैं उनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। आए कहाँ से थे? इधर अंतापुर से। ये ट्रक आपका था? नहीं, हम बस में बैठे। बस में बैठे जी। और कितने लोग थे बस में? अरे बस में पूरी बस भरी। कौन सी बस थी? ये माथी मुख्याला बस है, मतलब माथी पूरा स्टाफ आता है। माथी पूरा स्टाफ आता है? हाँ पूरा स्टाफ आता है। सरकारी बस थी क्या? नहीं बस प्राइवेट है, सरकारी। स्टाफ वाले कौन कौन लोग थे उसमें? अरे जो वकील है सबसे पहले वकील वही है। तो कई लोग घायल हो गए लगभग? अरे जो तो ये ड्राइवर है मरी दिया है।